यमुना बाई में जो आतंकवादी घटना घटित कर हमारे देश के वीर जवान 44 की हत्या की गई है, उसके विरोध में पूरा देश आज जवानों के साथ खड़ा है और भारत सरकार से ये आह्वान करता है कि जिस देश के शह पर यह घटना घटित की गई है उस देश पर पुनः वापस वैसा वैसा हमला कर उस देश को नेस्तनाबूद दुनिया के नक्शे से हटाना का प्रयास किया जाए और जो भी भारत के उस देश से संबंध है पाकिस्तान से, चाहे जल समझौता है, चाहे थार एक्सप्रेस है, चाहे जो भी समझौता है, उसको तुरंत बंद किया जाए और कश्मीर से धारा 370 की धारा हटाई जाए। ये हमारा देश पूरा भारत सरकार से मांग करता है और इस पर अमल होना चाहिए। थार एक्सप्रेस कहाँ से और कहाँ चलती है और आपने किसको ज्ञापन सौंपा, किसके नाम का ज्ञापन सौंपा है? थार एक्सप्रेस खोखरा पार मुनाबा होते हुए जोधपुर तक चलती है, उसमें भी कई बार आतंकवादी घटनाएं होने की संभावना रहती है, स्मगलिंग होती है, इसलिए इस एक्सप्रेस का कोई महत्व नहीं है, इसको तुरंत प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। ज्ञापन किसको सौंपा है? ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम जिलाधीश महोदय को सौंपा है।